ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुध देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:09 पर बुधदेव धनु राशि को छोड़कर अपनी प्रबल मित्र राशि मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मकर राशि में बुधदेव 20 फरवरी 2024 तक मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं। तो इसका प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। उसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बुध किन किन क्षेत्रों में आपको शुभता प्रदान करेंगे और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी, ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष शास्त्र में बुध को एक शुभ ग्रह माना जाता है और बुध ग्रह अपनी संगति के अनुरूप ही शुभ या अशुभ फल देता है। बुध अगर जन्म कुंडली पर शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, मौजूद होते हैं तो शुभ प्रभाव देते हैं। वहीं पापी ग्रहों के साथ अगर बुध की मौजूदगी हो जाए तो पाप प्रभाव भी जीवन में प्रदान करते हैं। एक राशि में बुधदेव 24 दिनों तक गोचर करते हैं और बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, मामा पक्ष का कारक माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर बुध का ही विशेष प्रभाव होता है। किसी भी जातक की कुंडली पर बुधदेव अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो जाएं, तो शारीरिक रूप से जातक को काफी सुंदर बनाते हैं। बुध के बलवान होने पर ऐसा व्यक्ति चालाक होता है, तर्क संगत होता है और बौद्धिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है। बलि बुध का प्रभाव जीवन में दीर्घायु प्रदान करता है, कुशल व्यवसायी बनाता है। बलि बुध के प्रभाव से जातक हाजिर जवाबी बनता है। वहीं संवाद और संचार के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति की अग्रणी भूमिका भी बनी रहती है। वहीं बुध का कमजोर प्रभाव, यदि जन्म कुंडली पर बुध किसी क्रूर और पापी ग्रहों के साथ पीड़ित हो जाए तो कई प्रकार की उलझन और समस्याएं भी जीवन में देता है। पीड़ित बुध के प्रभाव से नसों में पीड़ा, बहरापन, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई समस्या, चर्म रोग शरीर में होता है। वहीं आर्थिक संकटों का सामना जीवन में करना पड़ता है। व्यापार और कारोबार में जातक को काफी नुकसान का सामना जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में बुध कैसा प्रभाव देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों, बुध आपके राशि के लिए आपके धन भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं और 1 फरवरी 2024 को ये आपके कुंडली के छठवें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंडली का जो छठवां भाव है, उससे रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, कंपटीशन के बारे में, मुकदमेबाजी के बारे में, सभी प्रकार के प्रतियोगिताओं के बारे में विचार किया जाता है। आपके सिक्स हाउस पर सूर्य के साथ बुध प्रभावी होंगे तो सिंह राशि वाले जातकों को बुध कई प्रकार की शुभता देने वाले हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र के मामले में जबरदस्त सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। सिंह राशि वाले जातक, अपनी मेहनत के दम पर आप जबरदस्त सफलता अर्जित करते हुए नजर आने वाले हैं। वर्तमान में यदि आप बुध जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे लेखन, पत्रकारिता, वकालत, प्रवक्ता, वाणिज्य के क्षेत्रों में, बैंकिंग सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, कथावाचक, महंत हैं, पुजारी हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। बुध के इस शुभ प्रभाव से आर्थिक जीवन के लिहाज से सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। सिक्स हाउस पर बुध की मौजूदगी आपके जीवन में आर्थिक उन्नति और अच्छा धन कमाने के लिए आपको सक्षम बनाने वाली है।
लेकिन सिंह राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कई माध्यम से धन लाभ की संभावना भी बन रही है और दिखाई भी दे रही है। इस समयावधि में जो आपका रिश्ता है दांपत्य मामलों में काफी सौहार्द बनेगा, प्रेम पूर्वक बनेगा और वैवाहिक जीवन में जिन सिंह राशि वाले जातकों का जुड़ाव है तमाम इच्छाएं आपके जीवन में आसानी से पूर्ण होती हुई दिखाई देने वाली है। सेहत के लिहाज से यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। बुध का अनुकूल प्रभाव आपको ऊर्जा से भरने वाला है, उत्साह आपके अंदर काफी ज्यादा दिखाई देगा और यदि आपको कोई समस्या चल रही है शारीरिक समस्या वो इस समयावधि में आसानी से दूर होने वाली है। सिंह राशि वाले जातकों यदि आपका वर्तमान में कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में जुड़ाव है, इन 20 दिनों की समयावधि में यदि आपका पक्ष सकारात्मक है और आप फैसले की संभावना लेकर चल रहे हैं तो आप अपने आप को मजबूत पाएंगे और प्रतिद्वंदियों को आप हराने में भी जीवन में सफल रहने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव बुध आपके जीवन में देने जा रहे हैं। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सिंह राशि वाले जातकों को बुध जनित शुभता को जीवन में अर्जित करने के लिए हरी मूंग यदि आप पक्षियों में डालते हैं तो स्थिति आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगी। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का रोजाना जप करना काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। बुध जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय यदि आप करना चाहते हैं तो आप गौशाले में जाकर गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें, या यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और आपको आसानी से गाय की सेवा करने का अवसर मिल रहा है तो आपको जरूर करनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।